सोलन जिला प्रशासन द्वारा सोलन में केवल जरूरी सामान की दुकानें ही वीकेंड पर खुली नजर आईं, जिसमें सब्जी, डेली नीड्स, ढाबे, रेस्टोरेंट, हलवाई और दवाई की दुकानें खुली रहीं। लेकिन ये आदेश कांग्रेस के नेताओं को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने पत्रकार वार्ता कर इन आदेशों पर तंज कसते हुए कहा कि जो आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं उससे कोरोना पर नियंत्रण होने वाला नहीं है। इन आदेशों में केवल आई वॉश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को चाहिए था कि वे सोलन की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से पहले इस बारे में चर्चा करते और उनसे सुझाव लेकर ही अमल में लाते। रोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि सोलन में सप्ताह में दो दिन बाजार को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कुछ दुकानों को खुला रखा गया है और कुछ को बंद करने के आदेश हैं, लेकिन लोग आवाजाही पर कोई भी प्रतिबंध जिला प्रशासन ने नहीं लगाया है, जिसकी वजह से लोग भारी संख्या में बाजार में आ रहे हैं, जिससे साबित होता है कि इससे संक्रमण पर कोई नियंत्रण होने वाला नहीं है, बल्कि केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वे रविवार को पूरा लॉकडाउन करे, जिसमें दवा की दुकानों को छोड़कर कोई अन्य दुकान खुलने की अनुमति ना हो, तभी कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। ये कहाँ की मेरे को समझदारी, लॉकडाउन नहीं लगाया लेकिन आप घूम फिर सकते हैं, कुछ दुकानें खुलेंगी कुछ बंद रहेंगी, तो इसका मतलब कि जो चेन तोड़ना बोलते हैं ना, चेन कैसे टूटेगी। मैं ये समझता हूँ कि पूरा रविवार को पूरा कंप्लीट बंद कर दे, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब दुकानें बंद, चाहे दवाई हो, हलवाई हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, सब बंद है। उससे तो हम समझते हैं कि चेन टूट सकती है, लेकिन ऐसे तो चेन टूटेंगे नहीं। इससे उल्टा जो हमारे कारोबारी है, छोटे छोटे कारोबार करने वाले जो सवेरे कमाते हैं शाम को खाते हैं, उनकी जो है पेट पे लात मारने वाले सरकार का निर्णय लिया है, वो खत्म हो जाएंगे। इससे एक तरफ कुदरत मार रही है और दूसरी तरफ सरकार इसको मार रही है। सरकार ने जो ये कल आदेश जारी किया है कि दो दिन के लिए बाजार बंद रहेंगे और दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का विरोध करती है। और ये मैं समझता हूँ कि सरकार ने बिना सोचे समझे एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है कि जो जनता के खिलाफ है, और जनता इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। और मैं नहीं समझता कि ऐसे गलत निर्णय लेने से ये कोरोना की चेन टूटेगी, उल्टा इससे लोग परेशान होंगे। कोरोना तो जो बढ़ेगा सो बढ़ेगा, लेकिन जनता एक तरफ जहाँ कोरोना से त्रस्त है वहाँ सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त है। और हम इस चीज़ का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, और हम जनता की बात आपके माध्यम से सरकार के कानों तक पहुँचा रहे हैं कि कोई भी ऐसे निर्णय लेने से पहले समाज के बुद्धि वर्ग लोग को और बाकी सभी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके ऐसे निर्णय लिए जाएँ।